हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन एस्कुलस हिप्पोकैस्टेनम के बारे में। एस्कुलस हिप्पोकैस्टेनम यूरोप और अमेरिका के एक प्रकार के वृक्ष से टिंचर तैयार होता है। यह बवासीर, कितने ही स्त्री रोग और फेरेंजाइटिस यानी गले की नली में जो प्रदाह होता है, सूजन हो जाती है इत्यादि रोगों में व्यवहार के लिए प्रसिद्ध है। एस्कुलस का रोगी क्रोधी और आशाहीन रहता है। डॉक्टर हेल का कहना है एस्कुलस की क्रिया यकृत, यकृत धमनी और सिरा यानी लीवर और पोर्टल सिस्टम इत्यादि पर होती है। क्रिया यकृत की क्रिया ही की विलक्षणता से तथा और भी कई कारणों से मल द्वार के बगल और भीतर की स्लैस्मिक झिल्ली की हेमरॉयडल यानी निम्न सरल आंत्र जिसको बोलते हैं सिराओं में रक्त की अधिकता होकर वे फूल उठती हैं। हेमरॉयडल सिरा में खून ज़्यादा हो जाने की वजह से सिरा फट जाती है और मल द्वार से खून निकलने लगता है। इसे हम लोग खूनी बवासीर कहते हैं। इससे मल द्वार में प्रदाह होता है। उस सिरा का आखिरी भाग फूलकर मल द्वार के भीतर या बाहर बकरी के अस्तन की छिमी की तरह हो जाता है। कब्ज इत्यादि कितने ही उपसर्ग पैदा हो जाते हैं। यही बवासीर और बवासीर का मसा है। इस पर एस्कुलस की विशेष क्रिया होती है। नीचे लिखी बीमारियों में एस्कुलस की अधिक जरूरत पड़ती है। बवासीर और बवासीर का मसा, कमर और कूल्हे की हड्डी में तेज दर्द जिसकी वजह से काम काज न कर सकना, मैक्रोटिनम इस दवा को कंपेयर कर सकते हैं। कब्ज, सरलात्र यानी कांच का निकलना, अर्श या पित्त वृद्धि के साथ मंदाग्नि यानी खाना धीमे पचना और पाकाशय शूल यानी गैस्ट्रेलिया हो जाना, स्टमक का दर्द होना, बाधक श्वेत प्रदर यानी ल्यूकोरिया, ऋतुस्राव का रंग कालीमालिए, स्राव गाढ़ा खाल गला देने वाला हो, फॉलिकुलर फेरेंजाइटिस अर्थात गलकोश की ग्रंथि वृद्धि के साथ गलकोश का प्रदाह, चरित्रगत लक्षण, शरीर के कितने ही स्थानों में जैसे हृदय, फेफड़े, पाकस्थली, मस्तिष्क, तलपेट, चर्म इत्यादि स्थानों में इस तरह की पूर्णता मालूम होना मानो बहुत सा खून जमा हुआ है, हमेशा दुखित क्रोधी स्वभाव रहना, यकृत और हेमरॉयडल सिरा यानी मल नली का नीचे वाला सिरा जाल में रक्त इकट्ठा होना और वहाँ दर्द होना, मुंह, गला, मल नली आदि की स्लैस्मिक झिल्ली का फूलना, वहाँ दर्द, जलन और सूखापन मालूम होना, नाक से पानी की तरह कच्चे जुकाम का स्राव निकलना, नाक में जलन, नाक के में घाव की तरह का दर्द, ठंडी हवा लगने से तकलीफ का बढ़ना, बवासीर, मल द्वार में जलन होना, खुजली, सूखापन, गर्मी और भार मालूम होना, ऐसा मालूम होना जैसे मल द्वार में कीलें ठोकी हुई हों, कमर और कूल्हे की हड्डी में तेज दर्द के साथ कब्ज होना, गर्भावस्था में कमर में बेतरह का दर्द होना, जरायु का अपने स्थान से हट जाना यानी प्रोलैप्सस ऑफ यूट्रस, श्वेत प्रदर होना, गलकोश रोग में गले में जलन, गले में गोदने की तरह दर्द और सूखापन, सूखी खांसी होना, इसके अलावा अर्श यानी मसा, मल द्वार में कुछ गड़ते रहने की तरह दर्द होना, अकड़न की तरह दर्द, कमर में दर्द, पेन इन सैक्रोइलियक सिम्फाइसिस प्यूबिस। दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है। अगर बवासीर है किसी को, उसके साथ में कमर में दर्द हो तो वहाँ पे बेस्ट मेडिसिन है एस्कुलस। भार मालूम होना पीछे की तरफ, मल द्वार भीगा मालूम होना, मल द्वार में जलन, खुजली, मसा, मसा भीतर या बाहरी मसा हो उसमें बहुत दर्द, यकृत की जगह भार मालूम होना, कमर में दर्द, पाखाना हो जाने के बाद मल द्वार में बहुत देर तक जलन का रहना,
पाखाना हो जाने के बाद मल द्वार रुका हुआ है ऐसा मालूम होना इत्यादि इसके विशेष लक्षण हैं। एस्कुलस के बवासीर में साधारणतः रक्तस्राव नहीं रहता है, ब्लाइंड पाइल्स होता है, पर पुरानी बीमारी हो जाने पर रक्तस्राव भी होता है। इसमें बवासीर का दर्द कमर और पीठ तक फैल जाता है। एस्कुलस नक्सोमिका सल्फर और कॉलिनसोनिया से यदि किसी तरह का फायदा न दिखाई दे तो उनके बाद इसका प्रयोग करने से विशेष लाभ होता है। इसका दर्द आदि विश्राम करने पर घटता है और हिलने डोलने पर बढ़ता है, ब्रैनिया आदि के समान है। अन्य कितने ही लक्षण एलोज के समान है। नक्सोमिका, इसमें बवासीर में अक्सर खून जाता है, पाखाना लगता है पर होता नहीं है। इसके बलद्वार का दर्द और कमर का दर्द एस्कुलस के दर्द की अपेक्षा बहुत कम होता है और विश्राम करने पर घटता है और हिलने डोलने या परिश्रम से बढ़ता है, यह लक्षण भी नहीं है। नक्स से बीमारी कुछ घटने पर उसके बाद सल्फर से लाभ होता है। बहुत सी पुस्तकों में बीमारी बवासीर की बीमारी में सवेरे सल्फर और शाम को नक्स उनका के व्यवहार का उपदेश दिया गया है, पर हम इस तरह पर्याय क्रम से औषधि विशेषकर सल्फर के प्रयोग करने के पक्षपाती नहीं है। रटानिया, एक तरह के वृक्ष की जड़ से इसका मदर टिंचर तैयार होता है, क्रम 30-200 पोटेंसी। मलद्वार में कांच के टुकड़े से गड़ना और दर्द एस्कुलस की वनस्पति कम रहने पर भी इसमें इतनी अधिक जलन रहती है जैसे किसी ने लाल मिर्च की भुकनी छिड़क दी हो। पाखाना हो जाने के बाद मलद्वार में असह्य दर्द और बहुत देर तक जलन रहती है। एस्कुलस में पाखाने के बहुत देर बाद और रटानिया में पाखाना होने के ठीक बाद से जलन प्रारंभ हो जाती है। मलद्वार में फिशर होना यानी फटना मलद्वार का, जिसमें स्पर्श न सहन होने वाला दर्द और स्तन की घुंडी फटने यानी फिशर में भी रटानिया फायदेमंद है। कॉलिनसोनिया, बवासीर से लगातार खून का जाना, खून न जाने पर भी इससे लाभ होता है। रोगी का ऐसा समझना कि मलद्वार में कांच का चूरा या एक धारदार कांठी गड़ी हुई है, इसके उपसर्ग रात में बढ़ते हैं, जबरदस्त कब्ज, मल कड़ा और गेंद की तरह गोल होता है। एलोज, इसके बवासीर में ठंडे पानी का प्रयोग करने पर तकलीफ घटती है, ये एक बड़ा खास सिम्टम है दोस्तों। इसमें पाखाना, वायु निकलने के साथ ही या पेशाब के वेग से अनजान में निकल जाता है, पेट में वायु होती है। इग्निशिया का अध्याय देखिए। हेनामेलिस, बहुत ज़्यादा परिमाण में रक्तस्राव होता है। द्रष्टव्य, अर्श यानी बवासीर एक तरह का धातुगत रोग है, यह प्रायः संपूर्ण आरोग्य नहीं होता, कुछ दिनों के लिए केवल दब जाता है, फिर बीच बीच में इसके उपसर्ग दिखाई देते हैं। इस रोग में यदि किसी दवा से कोई लाभ न दिखाई दे तो आलपिन या सुई से 4-5 जीवित खटमल पकड़कर एक टुकड़े पके केले के अंदर भरकर 2-4 दिन सवेरे खाली पेट में निकल जाइए। खूनी बवासीर में इससे ही खून जाना अक्सर बंद हो जाता है। 5वें दिन से 2-3 खटमल इसी तरह 2-3 सप्ताह खाने से या तो रोगी एकदम आरोग्य हो जाएगा अथवा बहुत दिनों तक अच्छा रहेगा। खूनी बवासीर में यह मेरी परिचित दवा है। हर बार पाखाना के बाद उंगली से रेक्टम के अंदर से मल निकाल देने पर अर्थात नित्य मल साफ रखने से बवासीर संपूर्ण अच्छा हो जाएगा। जो आलसी हो, कामकाज करने की इच्छा न हो, शराब आदि पीते हो, उनकी बीमारी में एस्कुलस ग्लैबेरा लाभदायक है। दोस्तों ये जो ऊपर डॉक्टर एनसी घोष ने अपना अनुभव बताया हुआ है, ये अपने हिसाब से किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, अपनी अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। बच्चों के बवासीर में अमोनियम कार्ब, बोरेक्स, मर्क्यूरियस, वृद्धों को अमोनियम कार्ब एनाकार्डियम, गर्भावस्था में लाइकोपोडियम, नक्स सौरी में पल्साटीला, शराबियों के बवासीर में लैकसिस, नक्स आदि, बवासीर की तकलीफ के लिए प्लांटेगो देखिए, अर्श के कारण कांच बाहर निकल पड़े और भीतर न जाए तो रूटा क्यू का बाहरी और 30 या 200 शक्ति का भीतरी प्रयोग करना चाहिए। स्त्री रोग, जरायु ग्रीवा का फूलना, दर्द, गर्भाशय का टेढ़ा हो जाना या घूम जाना, जरायु कड़ी होना, उसमें टपक इत्यादि में एस्कुलस बहुत ज़्यादा फायदा करती है। पीले रंग का प्रदर का स्राव,
बाधक का दर्द और उसके साथ ही कमर में दर्द इत्यादि में भी यह लाभदायक है। इसके साथ बवासीर, यकृत का दोष वगैरह कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। खांसी, फॉलिकुलर फेरिंजाइटिस, सवेरे बलगम अधिक निकलना, गला फंसा रहना, गले में घाव, दर्द, सूखापन, जलन, क्रॉनिक फेरिंजाइटिस यानी पुराना गलकोष प्रदाह और बवासीर वाले रोगियों की इस बीमारी में एस्कुलस अधिक लाभदायक है। सदृश यह समान है, बवासीर में एलोज, कोलिनसोनिया, इग्नेशिया, एसिड म्यूट, नक्स और सल्फर के साथ में संबंध इसका होता है। अर्श यानी बवासीर में कोलिनसोनिया के बाद एस्कुलस के रोग बिल्कुल आरोग्य हो जाता है। नक्स और सल्फर से फायदा न होने पर एस्कुलस की जरूरत पड़ती है। क्रियानाशक इसकी नक्स भूमिका होती है। क्रिया का स्थिति काल है 30 दिन तक और क्रम इसका 3x 6x तक है, ये डॉक्टर साहब लिखते हैं, जबकि इसको 300-200 पोटेंसी में भी यूज़ किया जाता है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, इस पुस्तक में जो भी चीज़ें डॉक्टर एन सी घोष ने लिखी हुई है ये उनका अपना व्यक्तिगत व्यू है। जैसे एक जगह लिखा है इन्होंने कि बवासीर पूरी तरह से संपूर्ण सही नहीं होता है, जबकि कई जगह पे उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि बिल्कुल आरोग्य हो जाता है। तो ये भी समझने की ज़रूरत है कि बिल्कुल आरोग्य हो जाता है, सही दवा अगर मिल जाती है तो। दूसरी जो क्रम है ये डॉक्टर एन सी घोष का है कि उन्होंने 3x 6x पोटेंसी को प्रमोट किया हुआ है, जिससे उनको फ़ायदा मिला हुआ, लेकिन अगर आप उसके ऊपर की पोटेंसी देते हैं तो उससे भी फ़ायदा होता है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी रही आज एस्कुलस हिप के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी से आप लोगों को फ़ायदा ज़रूर होगा। फ़ायदा हो तो इसको ज़्यादा लाइक करिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा ले सके। फिर मिलते हैं दोस्तों इससे ही और अच्छी जानकारी के साथ में और दूसरी वीडियोज में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।